वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी, इसके अंदर अगर आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये बता देता हूँ। गलती से अगर आपकी लैंग्वेज हो गई है चेंज तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी ईजीली। बस 2 मिनट की वीडियो होगी और आपकी लैंग्वेज प्रॉपर चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग के अंदर वहाँ जाके हम जो है इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे। ये सेटिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसके अंदर एंटर कर लेंगे या स्लाइड करके नीचे आएंगे तो ऊपर भी आपको सेटिंग का आइकन मिल जाता है। दोनों तरफ से आप सेटिंग के ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना, सबसे नीचे आ जाएं। यहाँ पे आपको 3 लाइन वाला बॉक्स दिखो होगा, बॉक्स के अंदर 3 लाइन होंगे या आप सबसे लास्ट में आके काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पर जो ऑप्शन आता है आप उस पर टच कर दें, ठीक है। फिर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है आपको उस वाले ऑप्शन पे टच करना है। अगर यहाँ पे 1 और 2 में अगर आपकी लैंग्वेज आती है, जैसे 1 और 2 मैं बताया था, ये मैंने लैंग्वेज ले ली है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जो फर्स्ट पे है वो लैंग्वेज सेलेक्ट रहती है। अगर ऐसे लैंग्वेज आपको शो हो रही है तो आपको क्या करना है, जो नीचे लैंग्वेज आ रही है आप उस पर टच करेंगे तो नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर टच करना है और ये लैंग्वेज देखो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अगर ये गलती से फिर से आपको इस पर टच हो जाएगा तो फिर से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, नीचे रिमूव का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ से आप उसको रिमूव कर दें। तो इस तरह से गाइस आपके फ़ोन की लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।